हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लासेस विद पूनम टूडे विल डू टें्लास नाइन्थ एन सी आर्ट इंग्लिश बुक भी हाइव द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज काठमांडू काठमांडू नेपाल की कैपिटल है और अपने टेंपल्स टूपास और छोटे छोटे श्राइन्स के लिए फेमस है मीन्स ये एक ट्रेवलिंग प्लेस है जहाँ पर हमें जो है टेम्पल्स टूपास और छोटे छोटे श्राइन्स देखने को मिलते हैं ये जो चैप्टर है ये एक एक्स्ट्रिक्ट एक है एक्स्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या होता है एक बहुत बड़े पार्ट का छोटा सा पार्ट मीन्स बहुत बड़ी थिंग का एक छोटा सा पार्ट दैट इज कोल्ड एक्स्ट्रैक्ट सो ये एक चैप्टर ये चैप्टर जो है वो एक्स्ट्रैक्ट है ऑफ हैवन लेक रिटन बाय विक्रम सेठ विक्रम सेठ को ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये जो हैवन लेक है ये इनका एक ट्रैवल ऑग है ट्रेवल ऑग मीन्स एक ऐसी बुक जहाँ पर आप अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी के एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं ओके सो so, हैवन लॉग एक इनका ट्रैवल ऑग है और इसमें उन्होंने जो है अपनी लॉन्ग जर्नी को डिस्क्राइब किया है जो कि चाइना टू इंडिया थी और ये अपनी इस लॉन्ग जर्नी को भी तिब्बत और नेपाल से होते हुए कवर करते हैं ओके okay? सो so, इस चैप्टर में हम काठमांडू में उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया जब वो चाइना टू इंडिया मूव कर रहे थे और काठमांडू में इन्होंने जो जो भी एक्सपीरियंस किया उसी एक्सपीरियंस को रीड आउट करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन बिफोर यू रीड डू यू लाइक ट्रैवलिंग क्या आपको ट्रेवलिंग करना पसंद है द राइटर विक्रम सेठ एन्जॉयज इट वेरी मच और जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं विक्रम सेठ उन्हें ट्रेवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है इन हिज बुक हेवन लेक ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वी आर तिब्बत एंड नेपाल और अपने बुक हैवन लेक में उन्होंने लॉन्ग जर्नी को डिस्क्राइब किया है जो कि उन्होंने चाइना से इंडिया की थी वी आर तिब्बत एंड नेपाल तिब्बत और नेपाल से होते हुए हैव यू हर्ड द प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ मदुरई सांची वाराणसी सारनाथ एंड हेल क्या आपने जो इन प्लेसेस के बारे में सुना है जैसे कि अजमेर शरीफ मदुरई सांची वाराणसी सारनाथ और हेल और क्या आप ऐसे ऐसे दूसरे कोई नाम जानते हैं अगर आप फिर से इन नामों के ऊपर गौर करेंगे तो हमें एक स्पेशल चीज़ इनके बारे में देखने को मिलती है कि अजमेर शरीफ में हमें दरगाह देखने को मिलती है मदुरई में बहुत सारे टेम्पल्स हैं साची में स्तूपाज़ हैं वाराणसी में टेम्पल्स हैं सारनाथ में भी इस्तूपाज़ हैं हेलबीड में भी हमें जो है टेम्पल्स देखने को मिलते हैं मीन्स ये सारे के सारे जो है सेकर्ड प्लेसेज़ हैं जहाँ पर हमें जो है टेम्पल्स श्राइन्स और मॉस्क देखने को मिलती है तो वट डू यू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक सो आपकी भी सिटी में ऐसे ऐसे होली प्लेस हों

आई गेट अ चीप रूम इन देंटर ऑफ द टाउन एंड स्लीप फोर आवर्स मैंने जो है टाउन के सेंटर में मुझे एक चीप चीप मीन्स एक सस्ता सा कमरा मिला और फिर मैं वहाँ पर घंटों तक सोता रहा द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिटर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट द टू टेम्पल्स ऑफ काठमांडू दैट आर द सेकर्ड्स टू हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट और नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर शाह के बेटे और उनके नेफ्यू के साथ मैंने जो है काठमांडू के टू टेम्पल्स को विजिट किया जो कि हिंदूज़ और बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेकर्ड सेकर्ड मतलब पवित्र हैं एट पशुपतिनाथ सो so, पहला जो प्लेस था वो था हिंदूज़ के लिए एंड द नेम ऑफ दैट टेम्पल इज पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली देर इज़ एन एटमोसफेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन पशुपति नाथ जितने कि बाहर लिखा हुआ था बिल्कुल क्लियर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ था कि एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली सिर्फ हिंदुओं के लिए वहाँ पर एंट्रेंस यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम है या फिर कोई क्रिश्चियन है या फिर बुद्धिस्ट है तो वहाँ पर उनके लिए कोई एंट्रेंस नहीं थी पशुपति नाथ में सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदुओं के लिए एंट्रेंस है तो जब ये पशुपतिनाथ जाते हैं तो वहाँ पर वो कैसा एटमोसफायर फिर पाते हैं कंप्लीट फेब्रिलिक कन्फ्यूजन फेब्रिक कन्फ्यूजन मतलब हरिड एक्टिविटी मीन्स लोग इधर से उधर बड़ी जल्दबाजी में जा रहे हैं कंप्लीट क्योस पर फैला हुआ है कोई किसी को सुन नहीं रहा है बहुत ज़्यादा शोर वहाँ पे आ रहा है तो ऐसा एन्वायरमेंट वो जो है पशुपति नाथ में देखते हैं प्रेस्ट हॉकर्स डिवॉटि टूरिस्ट काउस मंकीज पीसेंस एंड डॉग्स फ्राम थ्रू द ग्राउंडस और सभी के सभी जो वहाँ पर पुजारी हैं सामान बेचने वाले लोग हैं भक्त हैं टूरिस्ट हैं काउस मंकी पीसेंस हर कोई जो है पशुपतिनाथ के ग्राउंड में घूम रहा 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 है 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 है। का जो एरिया है, वहां पर पर इधर से उधर जा रहा है और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। We offer a few flowers. हमने वहां पर कुछ फ्लार्स ऑफर किए यानी कि कुछ प्रेयर्स वहां पर की देर आर सो मेनी वर्शिपर्स सम पीपल ट्राइंग टू गेट दिस्ट अटेंशन देयर वे टू फ्रंट वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे बहुत सारे वर्शिपर्स थे जो कि उन लोगों को पीछे कहानियों से धकेल रहे थे जो प्रिस्ट के अटेंशन पाना चाहते थे मीन्स बहुत सारे वर्शिपर्स थे जो पुजारी से बात करना चाह रहे थे लेकिन उनके पीछे कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको कोहनियों से धकेल रहे थे और आगे आने की कोशिश कर रहे थे तभी जो है अ प्रिंसेस ऑफ ने, नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स एवरी वन बाउस एंड मेक्स वे तभी वहाँ पर नेपालीज रॉयल हाउस से एक प्रिंसेस आती हैं राजकुमारी आती हैं हर किसी ने उनको जो है बाव किया यानी कि झुककर नमस्कार किया और फिर उनके लिए रास्ता भी बनाया बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ द सेफ्रन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर द परमिशन टू एंटर और मेन गेट पर सेफरन क्लैड सेफरन क्लेट मतलब सेफरन कलर के कपड़े पहने वाले पहने हुए जो वेस्टर्न से आए हुए लोग थे वो अंदर आने की परमिशन मांग रहे थे मीन स्ट्रगल कर रहे थे अंदर आने के लिए द पुलिस मैन इज़ नॉट कन्विंस दैट दे आर द हिंदूज़ लेकिन पुलिस मैन बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं था कि भई वो हिंदू हैं और साफ साफ लेटर्स में अक्षरों में जो है टेम्पल के बाहर लिखा हुआ था कि ओनली हिंदूज़ आर अलाउड टू द टेम्पल सिर्फ टेम्पल में हिंदूज़ ही आ सकते हैं कोई और रिलीजन के पर्सन नहीं आ सकते हैं अ फाइट ब्रिक्स तभी जो है अ फाइट ब्रिक्स आउट बिटवीन टू मंकीज दो मंकीज के बीच में वहां पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है वन चेजेज द अदर्स वन जम्पस ऑन टू द शिवलिंगा देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर्स द होली भगमती और फिर जो है एक बंदर दूसरे बंदर को चेज कर रहा था यानी कि उसका पीछा कर रहा था उनमें से एक जो है शिवलिंग पर जंप कर लेता है फिर उसके बाद वो जो है टेम्पल में चारों तरफ जो है चिल्लाता हुआ घूमता है और फिर डाउन साइड जो रिवर फ्लो कर रही थी भगमती होली भगमती रिवर वहाँ पर वो चला जाता है ओके यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट टेम्पल ओके पशुपतिनाथ टेम्पल ये काठमांडू में पशुपतिनाथ टेम्पल की पिक्चर यहाँ पर गिवन है अब कॉप्स Is being on the bank. Bank पर उस भगवती रिवर के किनारे पर एक, एक लाश का क्रीमेटेड अंतिम संस्कार किया जा रहा था वॉशियर वीमैन आर एट दर्क वाशर वीमैन धोबिन अपना काम कर रही थी मीन्स कपड़े वहाँ पर धो रही थी और बच्चे वहाँ पर नहा रहे थे फ्रॉम अ बाल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव ऑफ रिंग्स नाउटेड एस ड्रॉप ऑन टू अ रिवर ऑन टू द रिवर और एक बालकनी से एक बास्केट ऑफ फ्लावर फूलों और पत्तों की भरी हुई एक बास्केट जो कि लोगों ने चढ़ावे पर चढ़ाई थी लेकिन अब जो है बासी हो चुकी थी उनको नदी में बहा दिया जाता है स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्यूर्ड फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक और नदी के किनारे पर एक छोटा सा श्राइन है जो कि आधा जो है स्टोन से बाहर निकला हुआ है वेन इट इमर्सफुली द गोडेस इन साइड विल एस्केप एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ और जब यह पूरी तरह से बाहर निकल आएगा इमर्स मतलब बाहर निकलना पूरी तरह से जब ये बाहर आ जाएगा तो इसके अंदर जो गोडेस बैठी हुई है वो आज़ाद हो जाएगी और कलयुग का ये जो पीरियड है अर्थ पर ये पूरी तरह से खत्म माना हो जाएगा ऐसी मान्यता वहाँ पर है ऐसा वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा माना जाता है ऐट द बुद्ध नाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देर इज़ इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ सेंस ऑफ स्टिलनेस और फिर उसके बाद वो पशुपति नाथ से बुद्धनाथ स्तूपा की तरफ जाते हैं तो बुद्धिस्ट श्राइन जो काठमांडू में जो एक बुद्धिस्ट श्राइन था वहाँ पर उसके कंपेरेटिवली उसके कॉन्ट्रास्ट में बिल्कुल शांति फैली हुई थी जहाँ पर पशुपति नाथ में बहुत ज़्यादा क्योस था लोग इधर उधर भाग रहे थे बहुत ज़्यादा शोर था इसके कम्पेरेटिवली जब वो बुद्धा बुद्धनाथ स्तूपा पर जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल शांति थी इट इमेंस वाइट डोम इज रिंगड बाई अरोड उसका जो इमेंस वाइट डोम था डोम मतलब ये जो इस तरीका का साइन बना हुआ होता है ये जो डोम था वाइट कलर इस पर किया हुआ था और ये जो है रिंग्ड बाई अरोड इसके चारों तरफ एक रोड था स्मॉल शॉप्स स्टैंड ओवर आउटर गेट और इसके बाहर वाले गेट के इस पर बाहर वाले गेट के किनारे पर छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई थी मैनी ऑफ दीज आर ऑन बाय द तिब्बतन इमिग्रेट्स फेल्ट बैग्स तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर बहुत सारी ये जो शॉप्स थी वहाँ पर तिब्बतन इमिग्रेंट्स ही थे यानी कि तिब्बतन लोग ही उनके ओनर्स थे वहाँ पर जो फेल्ट बैग यानी कि जो हैवी बैग थे तिब्बत प्रिंट के बने हुए कपड़े और सिल्वर ज्वेलरी को आप वहाँ से परचेज कर सकते थे देर आर नो क्राउड्स वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी दिस इज़ अ हैवन ऑफ क्वाइटनेस इन क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड और ये इस काठमांडू की बिजी स्ट्रीट के बीच में एक हेवन ऑफ क्वाइटनेस था यानी कि शांति के लिए एक हेवन हेवन मीन्स अ सेफ प्लेस एक सेफ प्लेस था जहाँ पर आप जो है काठमांडू की बिजी स्ट्रीट्स में अगर आपको शांति कहीं ढूंढनी है तो वो कहाँ पर मिलेगी बुद्धनाथ स्तूपा पर काठमांडू इज़ विविड मरसनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लार अडॉन्ड डाइट इज अलोंग द नेरोस्ट एंड द बिजीएस्ट स्ट्रीट विद फ्रूट सेलर्स फ्लूट सेलर्स होकरस ऑफ पोस्ट कार्ड्स शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंड काठमांडू जो है अल एक विविड यानी कि एक बहुत ही अलग सा प्लेस है अलग अलग तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी लाइक मरसेनरी यानी कि जो व्यापारी लोग होते हैं व्यापार करते हुए दिखाई देंगे रिलीजियस पीपल वहाँ पर दिखाई देंगे छोटी छोटी श्राइन्स जहाँ पर डाइटीज़ की फोटोज लगी हुई हैं डाइटीज के आइडोल्स लगे हुए हैं और उन आइडोल्स पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं मीन्स फ्लावर्स अराउंड मींस मीन्स फूलों से भरे हुए डाइटीज के छोटे छोटे श्राइन्स वहाँ पर मिलेंगे बिजी गलियाँ हैं जहाँ पर फ्रूट सेलर फ्लूट सेलर और पोस्ट कार्ड होकर जो है अपने सामान को बेच रहे हैं कुछ वहाँ पर शॉप्स ऐसे भी हैं जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक सामान को फिल्म रोल्स और चॉकलेट्स को बेचती हैं इसके साथ साथ वहाँ पर कॉपर यूटेंसिल्स और जो नेपाल की एंटीक पुरानी चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं उन शॉप्स पे मीन्स ये चीज़ें आप वहाँ पर उनकी उस बाज़ार काठमांडू के बाज़ार से परचेज कर सकते हैं फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़ रेडियोज़ पर बड़े ज़ोर ज़ोर से फिल्म सॉन्ग्स बजते हैं कान कार हॉर्न साउंडस और जो कार के जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड वहाँ पर करते हैं क्योंकि छोटी भीड़ी भीड़ी सी गलियाँ हैं बहुत बिजी गलियाँ हैं लोग आते जाते रहते हैं कितने सारे ट्रेवलर्स भी हैं और वहाँ के रहने वाले लोग भी हैं तो सभी लोग आते जाते रहते हैं तो वहाँ पर कार के हॉर्स कंटिन्यूसली सुनाई सुनाई देते रहते हैं बाइसिकल्स बैल्स रिंग बाइसिकल्स की घंटियां बज रही हैं स्ट्रेस काउ्स लो क्वेश्चिंगली एट मोटरसाइकिल्स और जो स्ट्रेस काउस यानी कि गली की जो गली में घूमने वाली जो काउज हैं वो मोटरसाइकल्स वालों की तरफ क्वेश्चिंगली वे से देखते हैं कि क्यों इतना हॉर्न बजाते हुए वो इतने स्पीड से चल रहे हैं रोड के ऊपर वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स और वेंडर्स जो है अपने सामान को बेचने के लिए ज़ोर जोर से चिल्ला रहे हैं आई इंडर्स माई सेल्फ माइंडलेसली और मैं जो है माइंडलेसली यानी कि बिना कुछ सोचे समझे और बस ऐसे ही मज़े लेते हुए अपने आप को जो है इस बाज़ार में इंडल्स कर देता हूँ यानी कि बाजार का वो मजा उठाते हैं आनंद उठाते हैं बाय अ बार ऑफ marzipan, पेन मार्सी पेन क्या होता है अ स्वीट मेड विद द ग्रेटेड आमंड्स जो कि ग्रेटेड यानी कि ग्रेट किए हुए टुकड़े किए हुए आमंड से बनाई जाती है एक स्वीट डिश यानी कि जिसको हम हिंदी में हलवा भी कह सकते हैं अ कॉन ऑन द कॉब रोस्टेड इन चारकोल ऑन द पेमेंट रब्ड विद द सॉल्ट चिली पाउडर एंड लेमन फिर वो जो है एक कॉर्न खरीदते हैं जो कि कोयले पर पकाई गई थी और उसके ऊपर जो है सॉल्ट चिली और लेमन लगाया गया था फिर उसके बाद अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट वो भी वो खरीदते हैं ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला एंड ए नो सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट और ये सारी की सारी चीज़ें वो किसके साथ कोका कोला और एक नॉ सिटिंग नो सिटिंग मीन सिकनिंग यानी कि जो जी मिचलाने वाली जो ऑरेंज की ड्रिंक्स थी उनके साथ नीचे लेकर जाते हैं और बेटर फील करते हैं मीन्स वो आ, जो उन्होंने भुट्टा वहाँ से खरीदा था कौन वहाँ से खरीदी थी वो कोका कोला और ऑरेंज ड्रिंक के साथ खाते हैं और उसके साथ साथ जो है बुक्स भी पढ़ते हैं और बेटर फील करते हैं आई कंसिडर वट रूट आई शुड टेक बैक होम फिर वो सोचना शुरू कर देते हैं कि भई अब मुझे घर जाने के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए इफ आई वर अप्रो वर प्रोपेल्ड बाई एंथुजियाजम फॉर ट्रेवल पर सी आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना देन सेल अप द गंगे स्पैस पास्ट बनारस टू अलाहाबाद देन अप टू यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली और अगर फिर वो सोचते हैं ना कि भाई हाँ मुझे कौन सा रास्ता अब घर जाने के लिए लेना चाहिए वो कहते हैं कि अगर मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है मीन्स अगर मैं ट्रैवलिंग करने के लिए मेरे अंदर बहुत जोश भरा हुआ है तो मुझे बस या ट्रेन से पटना जाना चाहिए फिर गंगा में नाव से बनारस होते हुए इलाहाबाद जाना चाहिए फिर यमुना के ऊपर से आगरा से गुजरते हुए दिल्ली जाना चाहिए बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक लेकिन मैं बहुत थक चुका था और घर की याद आ रही थी Today is the last day of August और आज जो है अगस्त का लास्ट था। टिकट फॉर टूमोर फ्लाइट फिर मैंने जो अपने आप से कहा कि सीधा जो है घर चलो फिर उसके बाद वो जो है नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में एंटर करते हैं और कल की यानी कि नेक्स्ट डे की फ्लाइट के लिए टिकट बुक करवाते हैं फिर वो जो है होटेल के पास चबूतरे पर खड़े एक फ्लूट सेलर को देखते हैं इन हिज हैंड इज अ पॉल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच फिफ्टी और सिक्सटी वन सुरीज प्रोट्यूर्ड इन ऑल द डायरेक्शन उसके हाथ में एक पॉल था और उस पोल के बिल्कुल टॉप पर फिफ्टी टू सिक्सटी बाँसुरीज प्रोट्यूड मतलब फैली हुई जो कि चारों डायरेक्शन में फैली हुई थी इस तरीके से बंधी हुई थी लाइक द किल्स ऑफ पॉर्क्यूपैन जिस तरह से एक पॉर्क्यूपैन के किल्स होते हैं ना चारों के सभी डायरेक्शन में तो उस उसी तरीके से उस पोल पर उस फ्लूट सेलर की जो बांसुरी थी वो चारों तरफ हर एक डायरेक्शन में फैली हुई थी दे आर ऑफ बैम्बू वो बैम्बू की बनी हुई थी दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स और उनमें से जो है कुछ क्लॉट क्रॉस फ्लूट्स थी और कुछ रिकॉर्डर्स थी फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पॉल ऑन द ग्राउंड सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेज फॉर अ मिनट और वो टाइम टू टाइम जो है पोल को ग्राउंड पर खड़ा करता और उन फिफ्टी टू सिक्सटी बांसुरीज में से एक फ्लूट को सिलेक्ट करता और फिर उसको जो है कुछ मिनट्स के लिए प्ले करता था द साउंड राइज इज़ क्लियरली अब द नॉइज ऑफ़ द ट्रैफिक एंड द होकरस क्राइस क्योंकि देखो उसने बताया कि काठमांडू में कितनी ट्रैफिक और हॉकर्स की क्राइस थी इतनी क्राइस के बाद बीच में भी इतने शोर के बीच में भी जो फ्लूट की आवाज़ थी वो क्लियरली उसको सुनाई दे रही थी ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली विद एक्सेसिव विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले वो बहुत ही धीरे धीरे बजा रहा था मेडिटेटिवली मतलब थॉटफुली वे से बजा रहा था विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले और किसी तरह का दिखावा वो नहीं कर रहा था ही does not shout out for his wares और अपने सामान के लिए वो चिल्ला नहीं रहा था लाइक like, जो दूसरे होकरस अपने सामान के लिए चिल्ला रहे थे ना भाई ये ले लो ये ले लो उस तरीके से वो जो फ्लूट सेलर था वो चिल्ला नहीं रहा था ओकेजनली ही मेक्स अ सेल वो जो है कभी कभार एक सेल कर रहा था यानी कि कभी कभार कोई आता जाता उसकी बांसुरी को उसकी फ्लूट को सुनकर उससे कोई फ्लूट खरीद रहा था बट क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे एज इफ दिस वर इंसीडेंट टू हिज एंटरप्राइज लेकिन एक क्यूरियसली यानी कि राइटर को देखकर ये वो क्यूरियस हो जाते हैं कि वो चिंतित में हो जाते हैं कि कितना ऑफ हैंडेड ऑफ हैंडिंग मतलब कैजुअल मींस अपने बिजनेस को वो जो है Uh, पूरी तरह से नहीं कर रहे थे मीन्स उसको सीरियस नहीं कर रहे थे कैजुअल वे से कर रहे थे कि भाई हाँ कोई आ रहा है फ्लूट खरीद रहा है तो ठीक है अदरवाइज उस अपने फ्लूट्स को सेल करने के लिए वो किसी तरह का पेन नहीं ले रहे थे ओके समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्लूट सेलर और कई बार वो जो है फ्लूट सेलर से बातें करने के लिए अपनी बाँसुरी को बजाना भी छोड़ देता था आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिस लाइफ फॉर ईयर्स और मुझे ऐसा लग रहा था कि भई कई सालों से उसकी लाइफ का यही पैटर्न है मतलब वो यही कर रहा है वो चिल्लाकर अपने सामान को नहीं बेच रहा है वो चिल्लाकर बांसुरी बाँसुरीज को नहीं बेच रहा है वो जस्ट सड़क के किनारे पर खड़ा है फ्लूट को बजाता है कोई आता है उससे ले लेता है तो ठीक है नहीं तो वो ज़्यादा सीरियस होकर अपनी बाँसुरीज को सेल करने के बारे में नहीं सोच रहा है आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्केयर और अब मैं जो है स्केयर से अपने आप को दूर कर पाना मुश्किल कर रहा हूँ मुश्किल पा रहा हूँ मीन्स वो फ्लूट की आवाज़ उन्हें इतनी अच्छी लग रही थी विक्रम जी को इतनी अच्छी लग रही थी कि वो वहाँ से हटना ही नहीं चाह रहे थे वो चाह रहे थे कि भाई हाँ इस फ्लूट को मैं सुनता रहूँ फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डस्ट दिस फॉर मी टू मी और फ्लूट म्यूजिक हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है मीन्स जब भी वो किसी फ्लूट को बजाते हुए किसी को फ्लूट बजाते हुए सुनते हैं तो वो उससे जो है आप हट नहीं पाते हैं इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पर्टिकुलर साउंड और ये जो है एक मोस्ट यूनिवर्सल और मोस्ट पर्टिकुलर साउंड है देर इज़ नो कल्चर देट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट ऐसा कोई कल्चर नहीं है मीन्स ऐसी कोई कंट्री नहीं है किसी कंट्री का कल्चर नहीं है जिसमें फ्लूट ना हो बाँसुरी ना हो सक सकता है कि उसका नेम अलग है उसका शेप अलग है उसका साइज अलग है लेकिन ऐसा कोई कल्चर नहीं है जहां पर कि कोई फ्लूट ना हो द रीड ने द रिकॉर्डर द जैपनीज शाकुहची द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक द क्लियर एंड द ब्रीदिंग फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका ये सारी की सारी फ्लूट्स ही हैं एंड द हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट सो उसने जो है अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बताया है कि कौन कौन सी ये जो नई है रिकॉर्डर है जापान की शाकूहाँची है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीर बांसुरी है साउथ अमेरिका की बांसुरी है और चाइना की हाई पिच वाली यानी कि बहुत तेज बहुत शिल आवाज निकालने वाली फ्लूट्स हैं मीन्स सभी के सभी कल्चर्स में सभी के सभी कंट्रीज के कल्चर में फ्लूट तो इस शामिल ही है ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपस हर एक फ्लूट का अपनी स्पेसिफिक फिंगरिंग फिंगरिंग मतलब वे ऑफ प्लेसिंग द फिंगर टू प्ले डिफरेंट नोट्स डिफरेंट नोट्स बजाने के लिए जो फिंगर रखने का प्लेस है वो है और उसका एरिया है मीन्स अलग अलग शेप की हैं अलग अलग तरीके से होल्स बने हुए हैं अलग अलग तरीके से वहां पर फिंगर रखने के लिए प्लेस बना हुआ है लेकिन हाँ हर एक कल्चर में फ्लूट जरूर है इट विव इट्स ओन एसोसिएशन वो अपनी ही एसोसिएशन बनाती है मीन्स जब फ्लूट बजती है तो उसका अपना ही अलग एक वे होता है अलग मजा होता है ये टू हियर एनी फ्लूट इज इट्स टू मी मैं जब भी किसी फ्लूट को सुनता हूँ तो मुझे क्या लगता है टू बी ड्रॉन इन टू द कॉम्युनलिटी ऑफ ऑल द मैन काइंड कि मैं जो है मैन काइंड की कॉम्युनिलिटी के बिल्कुल पास जा रहा हूँ यानी कि कॉमन लोगों के पास जा रहा हूँ फ्लूट को सुनकर ऐसा लगता है कि भाई हाँ वो कॉमन लोगों से किसी भी मैन काइंड के कॉमन लोगों से अटैच हो रहे हैं टू तो बी

इट्स मोटिवेट फोर्स टू इट्स लिविंग ब्रिथ इट्स टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन और ये जो जिस तरीके से बजती है वो ऐसा ही लगता है कि जैसे एक ह्यूमन ब्रीथ कर रहा है जैसे हम ह्यूमन ब्रीथ करते हैं तो हमें कई बार जो है सांस जोर से लेते हैं कई बार रुक जाते हैं मीन्स हमें कही कहीं ना कहीं पोज देने की ज़रूरत होती है तो सेम वैसा ही वो ये कह रहे हैं कि जब भी फ्लूट बजाई जाती है तो इसको आगे बढ़ते टाइम भी इसको रुकने और सांस लेने की ज़रूरत होती है जिस तरह से हम ह्यूमन बींग को होती है तो जब वो बांसुरी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ह्यूमन बींग को सुन रहे हैं उसकी फीलिंग्स को सुन रहे हैं और इसीलिए वो जो है बांसुरी से अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं मीन्स हालांकि उनको जो है फ्लूट प्ले करना नहीं आता है लेकिन फिर भी वो उसको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं देट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिलियर फ्रेज़ ऑन द बांसुरी सरप्राइज मी एट फर्स्ट फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजेंस डेट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एबसेंस अब्रॉड क्या मैं बाँसुर से के जो ये नोट्स हैं जो फ्रेजिज हैं और सेंटेंसेज हैं क्या मैं इनसे पहले भी इतना ही अफेक्टेड होता था ये चीज़ मुझे सरप्राइज करती है ये बात मुझे सरप्राइज करती है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब वो अब्रोड की लंबी यात्रा कर रहे थे तो तब उन्हें ये फील हुआ कि भाई हाँ अब्रोड की लंबी यात्रा करने के बाद जब वो घर आते थे तब उन्हें फ़ील होता था कि भाई हाँ उनके घर यानी कि अपने कंट्री में वो कुछ ऐसा सुने या देखे मीन्स तो पहले उनके साथ ऐसा नहीं होता था कि फ्लूट उनको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लेकिन हाँ अपनी अब्रोड की यात्राओं के बाद उनको जो है ऐसा फील होने लगा क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पर वो जाते अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग कल्चर को वो देखते तो वहाँ से उनको फील होने लगा कि भाई हाँ मुझे फ्लूट सुनना चाहिए और उनको फ्लूट सुनना अच्छा भी लगा आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू मैं जो है जब वो ध्यान से सोचते हैं इस बारे में कि भाई तो क्या मैं पहले भी ऐसा ही करता था क्या मैं पहले भी बाँसुरी को फ्लूट को इतना ध्यान से सुनता था तो वो क्या कहते हैं कि मैं हार्डली ऐसा पाता हूँ कि भाई मैंने कभी इतने ध्यान से फ्लूट को सुना हो या फिर मैं इतना अटैच फ्लूट के साथ हुआ हूँ लेकिन अब वो ऐसा पाते हैं अब वो अपने आप को फ्लूट के साथ अटैचड पाते हैं लेकिन पहले उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था लेकिन जब से उन्होंने जो है अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया फिर उसके बाद से उन्होंने नए नए कल्चर्स को देखा सीखा उसके बाद से वो जो है फ्लूड के साथ अट्रैक्ट हुए हैं ओके सो so यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है जो विक्रम सेठ जी ने काठमांडू का डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरीके से काठमांडू के जो टेम्पल है पशुपतिनाथ नाथ टेम्पल यहाँ पर कितना ज़्यादा क्योस था और वहाँ पर जब वो बुद्धिस्ट स्तूपा पर जाते हैं तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा शांति थी और काठमांडू की जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल भरी हुई हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं होकर अपने सामान को बेच रहे हैं हर तरीके का सामान जो है यहाँ से खरीदा जा सकता है तो ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन जो है विक्रम सेठ जी हमें देते हैं और जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी काठमांडू जाएं तो आपको पहले से ही काठमांडू के बारे में बहुत कुछ पता होगा अगर आपने जो है इस चैप्टर को ध्यान से सुना है तो सो so, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है आई होप आपको हर एक चीज जो काठमांडू में विक्रम सेठ ने बताई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई हम कहां पर क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स थैंक यू बाय कीप लर्निंग